हेलो गाइस, ये है 15 अगस्त और 15 अगस्त में हमको 2 टाइम अस्पताल आना पड़ा। ये दिन का टाइम का है अस्पताल आना और ये रात का है। रात का जो शाम में आई थी अस्पताल, तो उसका ये है। आप लोगों को धीरे से बताती हूँ कि हमको आना पड़ा 2 टाइम अस्पताल। गुड मॉर्निंग। कल अस्पताल से आने के बाद और वीडियो नहीं की, रात हो गई थी, रात 9:30 बज गए थे। तो ये देखिए हार्दिक के पास कितना चॉकलेट है। कल किसी ने दिया भी और हमने भी खरीदा। ये देखिए, ये चिक्की, ये भी है। मतलब ये सब खा के ना उसकी दम माने मतलब दांत की हालत ख़राब हो गई है। मतलब कभी देती नहीं उतना ज़्यादा, बट कभी कभी मांगता है ना तब देती हूँ। तो ये फ्रिज में रखा है, नहीं तो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रही है हार्दिक के लिए थोड़ी आलू की ग्रेवी। उसको आलू की ग्रेवी के साथ रोटी खाना बहुत पसंद है और साथ में ऑमलेट भी। नहीं बनाओ तो रोज़ पूछता है मम्मी आलू की ग्रेवी और एक दो रोटी के साथ, तो उसी को ही बना रही हूँ। और मैं नहीं खाऊँगी, कल की बासी रोटी है तो उसको ही गर्म करके मैं चाय के साथ खाऊँगी। चलिए दिखाती हूँ। बटर के साथ जिसने रोटी सेक के नहीं खाई है वो लोग ट्राई कीजिएगा। मैं भी बटर के साथ कल की बासी रोटी है उसको गर्म करके चाय के साथ खाऊँगी। रोटियाँ कल की थोड़ी सॉफ्ट थी ना, टूट फूट गई है। फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो क्यों फेंकू, है ना। इतनी मतलब अच्छी हो रखी है, ना कोई स्मेल ना बदबू कुछ। तो इसको अभी गर्म करते हैं, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये गर्म कर ली बटर के साथ, बट बहुत ही सॉफ्ट था। कल की रोटियाँ थी ना तो टूट गई, बट खाने में बहुत ही टेस्टी है और खा सकती हूँ मैं आराम से चाय के साथ। तो ये खा लेते हैं। हार्दिक की सुबह की ब्रेकफास्ट की थाली रेडी हो गई गाइस। ये है आलू की थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी, ये ऑमलेट, ये है रोटी। और हार्दिक उठ चुका है, ये देखिए बाबा। गुड मॉर्निंग का। ये हार्दिक, ये है वेदर, यहाँ पे पेन चल रहा है। और क्या है ना, हार्दिक को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, कल बहुत घूमना फिरना हो गया है ना, तो थोड़ा थका हुआ भी है, तो इसलिए नहीं भेजा। तो चलिए हार्दिक को ब्रेकफास्ट करा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, साउंड ऑफ ए, बैट, बी, ए, टी, कैट, कैट, सी, ए, टी, कैट, रैट, और ए, एन, रैट, रैट, हैट, H A T hat, mat, M A T mat, van, V A N van, man, M A N man, fan, F A N fan, can, K can C A N can, pen, P A N pen. Okay, which game do you play to do you love to play? Football. Full sentence. I love to play football. Yes, what are the other games you play? Hockey. Full sentence. I play hockey, football, carrom, ludo. Name a few indoor games. Carrom, ludo, Chinese checker game. Name a few outdoor games. Football, cricket, badminton, Who is the game do you play in school? Football. Full sentence. I play in school football.
I play football in school. I play football in school. Who is our national game? Our national game. No, prathome game to naam koilo. Our national game to name ko prathome first. Game to naam ko prathome. Hockey is our national game. Hetu kotha iman bujhibole iman time lage niki? हाँ तो गाइस सुबह का सारा रूटीन फिनिश करके हार्दिक को भी पढ़ा के खिला के पिला के फिर आप लोगों से मिली हूँ। वो सब तो आप लोगों ने देखा ही है। हाँ तो वही जो कल अस्पताल हमको 2 times क्यों जाना पड़ा तो वही बात आप लोग को बतानी थी। तो अभी हार्दिक वहाँ पढ़ रहा है तो मैं उसी टाइम पे उसको कुछ वर्क वगैरह दे के फिर मैं काम करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अगर साथ में काम भी नहीं करती रहूँगी तो लेट हो जाएगा। क्योंकि हम हार्दिक को आज स्कूल तो नहीं लेके गई, थोड़ा सा मन नहीं था, कल इधर उधर बहुत घूमना फिरना हुआ। हाँ फिर आज मतलब पैर में दर्द वगैरह हो रहा था तो हार्दिक को आज स्कूल लेके नहीं गई, फिर उसको घर में ही पढ़ाया। लेकिन कराटे क्लास उसको लेके जाने हैं शाम में, तो इसलिए फटाफट से जो भी काम है मैं कर लेती हूँ। और आप लोग को बताती हूँ कि कल 2 times क्यों अस्पताल जाना पड़ा। एक्चुअली हार्दिक की एक फ्रेंड है, हार्दिक के क्लासमेट है, उसको फीवर आ गया था परसों, फीवर और पेट दर्द। तो अचानक से संडे को उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। फिर अभी शाम में उसको एडमिट कराया, फिर रात में अभी उसको देखने के लिए गए। फिर मतलब बरसात वगैरह हो रही थी, बारिश हो रही थी तो हार्दिक और मैं नहीं जा पाए थे। फिर कल 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के बाद हम चले गए थे तो उसको ही देखने, तो वहाँ गए। फिर शाम के करीब 3 बजे उसको डिस्चार्ज मिल गया था। फिर अचानक से फिर शाम 6-7 बजे उसको फिर से फीवर आ गया बहुत ज़्यादा। फिर अच्छा फिर अलग से अस्पताल में उसको मतलब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, हम भी उन लोगों के साथ थे। तो इसीलिए मतलब कल हमको 2 times अस्पताल जाना पड़ा। मतलब इतना फीवर था उसको, हम भी डर गए थे, घर वाले भी डर गए थे सारे। और छोटी बच्ची है ना हार्दिक की एज के, ये तो बुरा लगता है ना। और उन लोगों के यहाँ पे कोई नहीं है, और जैसे हमारे यहाँ पे कोई नहीं है तो उन लोगों के यहाँ पे ही कोई नहीं है। वो क्या नौकरी के पर्पज से यहाँ रहते हैं, तो और यहाँ पे स्कूल में भी एडमिशन दिया है हार्दिक के स्कूल में, तो हम ही उन लोगों के साथ अस्पताल वगैरह में गए। रात जब तक डॉक्टर नहीं आए, जब तक नहीं दिखाए, तब तक हम उन लोगों के साथ में अस्पताल में ही रहे। तो इसीलिए कल हमको 2 times अस्पताल जाना पड़ा। तो गाइस यही बात थी, होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे। तो थैंक यू।